ये आपकी किस्मत है कि आपने इस दुनिया के बहुत बड़े डायरेक्टर को ढूंढ लिया है। कौन है वो? अरे मैं हूँ। एक बात बताऊं, वैसे मैंने भी दुनिया के सबसे अच्छे प्रोड्यूसर को ढूंढ लिया है। कौन है वो? अरे सर आप हो, पैसा लाए हो? हाँ, ये लीजिए। अरे वाह, पैसा मिल गया। अरे हमने तो शुरू कर दी है। फिक्स इट। इस शॉर्ट फिल्म का नाम क्या है? एक बकरी बकरे की माँ बनना चाहती है। ये है अपना टाइटल। क्यों भाई, आर्टिस्ट तैयार है ना? हाँ, डायलॉग बोलने के लिए कहो यार। स्टार्ट कैमरा, एक्शन। कैमरामैन सिर्फ बकरी को फॉलो करना, उस आदमी की चिंता मत करो, उसे हम ग्राफिक्स में निकाल देंगे। हाँ, आराम से चलो ठीक से करो। हाँ, उसने जो टट्टी की है ना उसे क्लोज में दिखाओ। ये क्या है? इसकी जरूरत पड़ी। ओके सुपर। राइट। हाँ बस खाते वक्त जरा क्लोज में ले लेना। ये क्या है डायरेक्टर साहब, एक बकरी ने घास खाकर टॉयलेट किया और आप उसकी फिल्म बना रहे हो? सर कैंस फिल्म फेस्टिवल में जब अवार्ड की बारिश होगी ना, तब आपको पता चलेगा कि बकरी के टट्टी की क्या कीमत होती है, समझे? ए, उसकी एक सीढ़ी बनाकर सर के हाथ में दे देना। मैंने गांव में लकड़ी काटकर मार्केट में बेचा था और वो सारे पैसे एक बकरी की शूटिंग में खर्च कर दिया। अब मैं अपनी पत्नी को क्या कहूंगा, वो तो मुझे मार डालेगी। भाई एक चाय दो ना। तेरी पहले की उधारी बची है ना, पहले वो पैसे दे। मैंने बोला था क्या डायरेक्टर बनने के लिए, घूर क्या रहा है ऐसे? कोई नौकरी वोकरी कर, फिल्म के चक्कर में जिंदगी मत बर्बाद कर अपनी। ओ मास्टर, हम डायरेक्टर्स की ऐसे बेइज्जती मत करो, समझे? आज सड़क पर घूमने वाले हम लोग कल बहुत बड़े डायरेक्टर बनने वाले हैं। ठीक है, इसको चाय दे दो, पैसे मैं दे दूंगा। भाई मेरे दिन इतने भी नहीं गिने कि मैं एक चाय के लिए इतना सुनूं। क्या नखरा दिखा रहा है? अबे जवाब तो दे। कर पता है तुमने गरीब आदमी से 50,000 रुपए लूटे हैं? मैंने उसकी गर्दन पे चाकू रखे पैसे नहीं लूटे हैं। उसने मुझसे फिल्म बनाने के लिए कहा तो मैंने उससे पैसे ले लिए। कमीने, मुझे गाली दे रहे हो? तुमने मुझे मारा, फिल्म के नाम पे लोगों को ठगते हो, इसलिए असिस्टेंट डायरेक्टर का नाम मार के खराब होता है। मैं कुमकुम सेल्वा कुमार बोल रहा हूँ। अरे कुमकुम सर का फोन, कुमकुम सर का फोन। कुमकुम सर कैसे हो बताइए? ये क्या चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही है? अरे कुछ नहीं सर, एक बड़ी फिल्म बनाने की बात हो रही है ना, उसी की आवाज आ रही है आपको। अरे छोड़ूंगा नहीं, आप बताइए, आप बोलिए क्या बोलते। हाँ बोलिए ना, आप कैसे आ रहे? मार खा कर आ रहा हूँ, मतलब ऑडी कार से आ रहा हूँ सर। ऑडी कार? अच्छा आइए भाई। सर ब्रांडी पियेंगे क्या? नहीं सर। आप नहीं पीते हैं क्या? विस्की कभी कभार, वरना ब्रांडी से काम चला लेता हूँ। बॉडी गार्ड मुनेश्वर। अच्छा भाई बताइए। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो सर मैं सिर्फ एक ग्लास पीऊंगा, उसके बाद कोई कंप्लेंट मत करना। अरे छोटो मेरा एक ग्लास बना के ला। ये मेरा ग्लास है इसलिए आप डालिए। डालिए भाई, आप फिल्म वाले हो, ये आपने साबित कर दिया। आप समझ गए क्या? एक फूल और लेकर आ। हाँ लाइए ना। लीजिए। हाँ सर। हाँ ओपन किया तो बॉम्बे और वहाँ का बहुत बड़ा डॉन। हाँ। वो चेन्नई आ रहा है। हाँ। और चेन्नई आकर झोपड़पट्टी में रहकर ऑटो चला रहा भाई है। भाई आपको पसंद आया ना? इसमें सुपरस्टार ने काम किया है भाई। ये लो सीडी। पकड़ा गया। सर हाँ। फिल्मी दुनिया के इतिहास में हाँ। इस तरह की फिल्म तो कभी नहीं बनी होगी। हाँ। एक सुंदर सी लड़की और एक सुंदर सा लड़का एक दूसरे को बिना देखे प्यार करते हैं। नेशनल अवार्ड मिलेगा सर। मिल गई। ए लो कटहल की कुटाई फिल्म, सीडी रखो। ये भी इसको पता है, दोबारा कभी किसी को कहानी नहीं सुनाऊंगा। भाई हमारी जिंदगी में होने वाली कुछ अलग कहानी बताओ, फिल्म बनाएंगे। जिगर का धंधा जैसी कहानी। विलन वाली कहानी नहीं चाहिए, अच्छे इंसान की, अच्छा काम करने वाला, इस तरह की कहानी सुनाइए। हम सबको अवार्ड जरूर मिलेगा। चलो उठो। तूने मेरे को एक आप क्या पिला दी तो तू कुछ भी करेगा। आप पिलाई तो क्या हुआ, लेकिन साइड डिश का तेरा बात आएगा मुझे। मतलब तू सिंदूर लगा के कुछ भी बोलेगा। भाई किस सोच में पड़ गए? चलो उठो। अरे उठो। साहब मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको अपने हिसाब से बेवकूफ बनाने की कोशिश की, मुझे माफ कर दीजिए। अरे ठीक है तो रोने की क्या बात है? अरे
तुम सोच में मेरी धुलाई करके माफी मांग रहे हो, तुम ही डायरेक्टर रहोगे, हीरो हम ढूंढ लेंगे। Come on, start. Come on, Otto. Chalo. Aaram se. Ye tujhe nahi milega. तुझे कुछ और दिलवाऊंगा। ये तो कमाल का आदमी है भाई, ये तो कच्ची कच्ची सब्जियां खा रहा है। अंडा और बिरयानी खानी चाहिए थी इसको, हीरो इसको ही लेते हैं। अरे वाह, आपने तो एक नजर में हीरो को पहचान लिया। लेकिन डायरेक्टर मुझे ही रखना है। तुम भी। जो भी अवार्ड मिलेगा वो आपका और मेरा आधा। सारे अवार्ड मुझे मिलेंगे। अरे साहब जी, लगता है आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, भूसा भरा हुआ है। चलिए शराब पी के बात करते हैं। भैया 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 शराब मत पीजिए, पैसे ले जाकर देखिए शराब मत पीजिए, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। कल कच्ची सब्जी खा रहा था और आज शराब पीकर अपना दिमाग खराब कर रहा है। ये तो होश में बात कर रहा है ऐसा लग रहा है। आप भी हद करते हो, जरा देखो ना ध्यान से। शराब मत पीजिए, देखिए शराब पीजिएगा तो आपका लीवर खराब हो सकता है भाई साहब। जीना जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है भाई साहब। ए मेरे इधर लड़की है ना, वो तेरे साथ शादी नहीं करेगी। ए मैं बहुत अभी रात में चल जाऊंगा। आपका लीवर और किडनी खराब हो सकता है भाई साहब, क्यों आप शराब पीते हैं? छोड़ दीजिए ये शराब पीना। भाई साहब मेरी बात मानिए, ये बहुत ये समझाइए, आप लोग समझाते क्यों नहीं? रुक जाइए भैया, भैया आप अंदर मत जाइए। भैया नहीं, रुकिए, कोई इनको रोकिए। सबको नमस्कार, हम सब इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं। क्यों इस तरह आप सब लोग शराब पी पी कर अपनी जिंदगी खराब करने पर लगे हुए हैं? शराब पीने से लीवर, किडनी, आँख सब खराब हो जाती है। अगर इन सब ने काम करना बंद कर दिया तो आप सबका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, और अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो गया तो आप परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठा पाएंगे, और फिर आप परिवार से दूर होते जाएंगे, और सिर्फ आपकी नहीं आपके पूरे परिवार की इज्जत मर्यादा सब मिट्टी में मिल जाएगी। मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि अपनी पत्नी और बच्चों के लिए आप ये शराब पीना बंद कर दें। क्या हुआ चाचा, भाषण सुन के सुधर गए क्या? भाषण सुन के कौन सुधर गया, उसकी बात सही है, कल से कांच के गिलास में पियेंगे। ये लोग स्कूल यूनिफॉर्म के ऊपर दूसरी शर्ट पहन कर आए हैं, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? स्कूल के बच्चों को भी तुम बर्बाद कर रहे हो। स्कूल के हो या कॉलेज के, जो भी पैसे देगा उसे शराब देंगे हम। हमारे देश में नियम है कि 18 साल के होने के बाद ही कोई वोट डाल सकता है। अगर शादी करनी है तो उसके लिए भी 18 साल का होना जरूरी है, और अगर ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो उसके लिए भी 18 साल का होना जरूरी है। उसी तरह 18 साल के कम बच्चों को शराब देकर तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये अगर तुम्हारे बच्चे होते तब तुम क्या करते? क्या प्रॉब्लम है बताता हूँ सर। इन बच्चों को देख रहे हैं आप, ये इन्हें शराब बेच रहा है। तुम्हारे बच्चे हैं क्या? मेरे बच्चे होंगे तभी पूछूंगा, क्या आपके बच्चे होंगे तो उनके लिए नहीं पूछूंगा? मेरा बेटा फ्री वाली शराब पीता है, वो शराब लेकर आता है, मैं उस शराब इसे देकर पैसे ले लेता हूँ। देखिए सर, आप गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं, आप सिर्फ एक पुलिस वाले नहीं एक पिता भी हैं। सर ये यहाँ आकर बाप भाई माँ बहन का ज्ञान देकर हमारा धंधा बंद करवाएगा, इसे अंदर करिए सर। चलो चलो पुलिस स्टेशन चलो। देखो तुम लोग गलत कर रहे हो बच्चों। हमने आपकी बातें सुनी, बहुत अच्छा कहा आपने, देश की भलाई के लिए अच्छा सुझाव। मैं सुझाव क्या दूंगा सर, बस नौजवानों से विनती करता हूँ कि वो लोग शराब पीकर अपनी जिंदगी बर्बाद न करें। सर हम लोग आपको 3 दिनों से फॉलो कर रहे हैं, आपके कैरेक्टर को देखते हुए हमने आपको अपनी फिल्म में हीरो बनाने का फैसला किया है। सर आप मुझे लेकर फिल्म बनाएंगे तो आखिर वो फिल्म देखेगा कौन? क्या बात कर रहे हो सर, आप जो करेंगे वो पूरा भारत देखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मेरी तारीफ की, मुझे बहुत खुशी हो रही है, अब मैं चलता हूँ। चलता हूँ सर। पता नहीं यार ये किस तरह का आदमी है, लोग हीरो बनने के लिए सड़क पे घूमते हैं और इसको देखो सामने से ऑफर आ रहा है फिर भी ये ठुकरा रहा है, ये अनजाने में बोल रहा है, लेकिन हम इसको लेके फिल्म जरूर बनाएंगे। ऐसे ही फिल्म बनाकर हम जीतेंगे। मच्छी 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 लीजिए, मच्छी 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 मच्छी। क्या है? तुम्हारी मछली बहुत अच्छी है, मैं उसे पास आकर देखना चाहता हूँ। कभी मच्छी नहीं देखी है क्या? देखी है लेकिन ऐसी अच्छी मछली मैंने कभी नहीं देखी, इसलिए पास आकर देखना चाहता हूँ।
मच्छी 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 लीजिए मच्छी। सारे पेड़ों को काट दिया है। ओहो कितनी गर्मी है। आओ आओ मच्छी ले लो। अरे कोई तो मछली ले लो। बदन दर्द के लिए सन्ना दक्का, माँ के दूध के लिए दूध सुरा, सिर दर्द के लिए बुदला कन्ना और छोटी मोटी बीमारी के लिए अय्यारा मछली। सुनो उसके लिए मछली है क्या? किसके लिए? वो दिल में दर्द है ना, उसके लिए कोई मछली है क्या? हाँ है ना, काट के दूँ क्या? ये क्या डबल मीनिंग में बात कर रही है? तुझे तो अभी बताती हूँ, बिना मुंह धोए मेरा पीछा कर रहा है। तेरी पत्नी को जाके बताऊं, तेरी धुलवाई कराऊं क्या मैं उससे? हाँ नहीं, नहीं, पीछा करना भूल जाएगा। मेरी पत्नी को मत बताना, मैं जा रहा हूँ। अरे अरे कौवे मेरी मछली ले गया। ए कौवा ए ए कौवा मेरी मछली दे। ए देख के नहीं चल सकता क्या? ए तुम मुझसे आकर टकराई हो, ऐसे सामने देखकर कोई टकराता है क्या? लड़कियों को मैंने जमीन देखकर चलते हुए देखा है, तुम आकाश देखकर चल रही थी। अरे क्या बताऊं, वो कौवा मेरी मछली उठा के ले गया, इसलिए उसका पीछा कर रही थी। कौवा मछली लेकर उड़ गया है कहाँ? हाँ अरे वाह, अरे वाह मेरी मछली, अरे मेरी मछली देना, अरे देना, अरे अरे कहाँ रखी तूने मेरी मछली? हाँ कहाँ रखी है? ये क्या कर रही है? मत लगा, क्या कर रही है? कौवे को क्यों दे दी? हाँ वो कौवे का भोजन है इसलिए। अच्छा पता है कितने की है? पाव किलो 1000 रुपए की है। चल 100 रुपए दे। 100 रुपए? हाँ दे। मैं नहीं दे सकता, जो करना है करो। तो फिर अपनी शर्ट दे, मछली देना और लेकर जाना। शर्ट दो मेरी। तुम लोग यहाँ कब पहुँच गए? जब आपने कौवे को पत्थर मारा था ना, तभी हम लोग पहुँच गए थे। ये देखिए खून। देखा टिंगू ने भाई के लिए खून बहाया। तेरी तो भाई के लिए खून क्या, मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। मुझे एक बात सच सच बता दो, आपके पास पैसे नहीं थे इसलिए शर्ट दे दिया, या उससे वापस हो गए इसलिए दे दिया? Come on, tell me. भैया मछली ले लो मछली। अरे नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए। अरे भैया हमें हरी सब्जी खिलाते हैं, हम लोग मछली नहीं खाते। अरे मैं गरम गरम पकी हुई मछली लाई हूँ। अरे तू ठीक है दो, अरे तू यहाँ चल मेरी मछली वापस दे। उस छोटी मछली के तुझे 100 रुपए दे रहा हूँ, रख ले। मुझे ये सब नहीं पता। हाँ मुझे मेरी मछली चाहिए, मछली दे फिर मैं जाऊंगी। ये नहीं हो सकता, उसे वो कौवा ले गया। हाँ मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरी मछली चाहिए बस। तुझे मछली चाहिए ना, ठीक है पकड़ के दे दूंगा। एक छोटी सी मछली के लिए मेरे भैया से इतने सवाल कर रही हो तुम? एक मछली क्या, चार चार मछली दे देंगे। कहाँ देना है, कैसे देना है, तुम मुझे एड्रेस बता दो, मैं भैया को वहीं भेज दूंगा। तू भेजेगा ठीक है तो भेज देना।